आज के इस वीडियो में सिग्नल सिस्टम में एलन वी ओपेनियम टेक्स्ट बुक का फूरियर ट्रांसफॉर्म चैप्टर 4 का 4.15 प्रॉब्लम नंबर का सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। 4.15 प्रॉब्लम नंबर में दे रखा है XTVA सिग्नल विद फूरियर ट्रांसफॉर्म XJ ओमेगा। XT एक सिग्नल है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म XJ ओमेगा है। फॉलोइंग फैक्ट्स आर गिवन फॉर XT। फैक्ट्स आर फर्स्ट फैक्ट, पहला फैक्ट जो दिया हुआ है XT रियल है। कुछ ऐसे फैक्ट्स XT के बारे में दे रखे हैं और डिटरमाइन क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन फॉर XT। XT के लिए क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन निकालना है कि XT है क्या। XT के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स दिए हुए हैं, आपको पता लगाना है कि XT क्या है। तो आइए इन सारे थ्री इंफॉर्मेशन जो XT के बारे में दिए हुए हैं, उन सारे इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम कैसे पता लगाएंगे कि XT क्या है। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। पहला फर्स्ट फैक्ट आर गिवन इज XT इज रियल। फर्स्ट क्या है, XT इज रियल। रियल सिग्नल कब होता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, मतलब उसका कंजुगेट करने पे सेम आएगा। XT और XT का कंजुगेट सेम आएगा। अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म में करें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में करें, तो XT का फूरियर ट्रांसफॉर्म XJ ओमेगा होता है। X स्टार T का फूरियर ट्रांसफॉर्म X स्टार ऑफ माइनस J ओमेगा होता है। तो पहला इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि XJ ओमेगा प्लस X स्टार ऑफ माइनस J ओमेगा दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। सेकंड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है XT इक्वल टू 0 फॉर T लेस देन 0। लेफ्ट साइड XT की वैल्यू 0 है, राइट साइड ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो देखते हैं इस इंफॉर्मेशन का क्या फायदा होता है। थर्ड इंफॉर्मेशन को पहले हम यूज करते हैं। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है XT, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का आपके पास फॉर्मूला होता है XT इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स जे ओमेगा ई टू डी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, ऐसा होता है। मतलब एक्स जे ओमेगा के पास जगह पे, इसके प्लेस पे जो भी होता है उसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ इनवर्स इधर होता है, XT होता है। तो इस फॉर्मूले से आप ये लिख सकते हैं कि मॉड टी ई टू डी पावर माइनस मॉड टी इज इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ इनवर्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ एक्स जे ओमेगा। एक्स जे ओमेगा प्लस एक्स स्टार ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। अब एक्स स्टार ऑफ माइनस जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा, यहां से एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा फाइंड करेंगे तो एक्स स्टार ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा। मतलब एक्स स्टार ऑफ जे ओमेगा के जगह पे एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी एफ इनवर्स ऑफ एक्स जे ओमेगा प्लस एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। तो इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक्स जे ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आपका XT आ जाएगा और एक्स माइनस जे ओमेगा का एक्स माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। मतलब देखें तो क्या आ गया अपने पास, XT प्लस एक्स माइनस टी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू आ गया मॉड टी ई टू डी पावर माइनस मॉड टी, ए आ गया। अब इससे XT की वैल्यू निकालनी है, इसे हमें XT की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, एक इंफॉर्मेशन और बच गया जो कि गिवन है XT इक्वल टू 0 फॉर T लेस देन 0। क्या गिवन है, XT इक्वल टू 0 फॉर T लेस देन 0, ठीक है।
अब इसमें t को माइनस टी से अगर रिप्लेस करें तो क्या बन जाएगा, x माइनस टी, t इज रिप्लेस्ड बाई माइनस टी, वैल्यू तो जीरो का जीरो ही रहेगा, इसमें तो t है नहीं, और माइनस टी लेस देन जीरो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस टी को उस तरफ लेके जाएंगे तो बन जाएगा t ग्रेटर देन जीरो, मतलब x माइनस टी की वैल्यू जीरो है फॉर t ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। तो t ग्रेटर देन जीरो के लिए इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सिर्फ किसके लिए सोल्व करते हैं, फॉर t ग्रेटर देन जीरो के लिए, t ग्रेटर देन जीरो के लिए xt की वैल्यू xt ही रहेगी, ठीक है, t ग्रेटर देन जीरो के लिए xt तो xt ही है, ठीक है, x माइनस टी की वैल्यू t ग्रेटर देन जीरो के लिए जीरो है, और मॉड t की वैल्यू t होती है, मॉड t को अगर खोलेंगे तो मॉड t की वैल्यू t होगी t ग्रेटर देन जीरो के लिए, माइनस t होगी t लेस देन जीरो के लिए, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं मॉड को, तो t ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड t की वैल्यू t लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस t, यहां से xt निकालेंगे, xt इक्वल टू हो गया 2 e टू दी पावर माइनस टी, ये किसके लिए आई वैल्यू xt की, और t ग्रेटर देन जीरो के लिए, और जीरो t लेस देन जीरो के लिए दे ही रखा था, जीरो वैल्यू है xt की, फॉर t लेस देन जीरो गिवन, तो xt की वैल्यू आ गई 2t e टू दी पावर माइनस टी फॉर t ग्रेटर देन जीरो के लिए, 2t e टू दी पावर माइनस टी फॉर t ग्रेटर देन जीरो के लिए, और जीरो फॉर t लेस देन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, या e टू दी पावर माइनस टी को e टू दी पावर माइनस मॉड टी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि t ग्रेटर देन जीरो पे मॉड टी की वैल्यू टी ही होती है, तो मॉड टी लिखे टी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यही हमारा आंसर हो गया है, एक्स टी फाइंड करना था, एक्स टी की वैल्यू आ गई, एक्स टी की क्या वैल्यू आई, 2t e टू दी पावर माइनस टी फॉर t ग्रेटर देन जीरो के लिए, और जीरो फॉर t लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, यही आंसर आ गया इसका, यही एक्स टी क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन फॉर एक्स टी फाइंड करना था, तो आसानी से आप एक्स टी फाइंड कर पाए, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, कोई समस्या कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में आप लिख ही रहे, सॉल्व कर ही रहे, तो आ गया समझ में, आ गया समझ में, तो फिर बंद करते हैं इस वीडियो को, फिर नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम 4.15 कर चुके हैं, 4.16, 4.16 में आपका पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के लिए सीखना है, तो 4.16 करवाने में हम पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना भी सिखाएंगे, फिर आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक का बटन जरूर दबा दें, और शेयर इसे जरूर करें अपने मित्रों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।